एट इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक टाइम लाइक एट 6 o'clock, एट 5 o'clock, एट 10 o'clock. सो यू कैन यूज़ एट एंड सी इन द एग्जाम्पल्स एट 11:45, एट मिड नाइट, एट 5 o'clock, एट्सेट्रा. And use is on is used for the days and date, like on Friday, on Saturday, Muslim offers prayer of Juma prayer on Friday, suppose. And in is used for longer terms, as for months and weeks, like in October, in week, years, in 1998, in 18th century, in October, in December, in future. So at is used for specific time of the day, on is used for days and date, in is used for years, seasons, months and sessions and centuries, etc. In the remaining section, these are the examples of it. Suppose at the weekend, at moment, at the moment. These are the specific point of time. Now come towards the E section. In a few minutes, in 6 months. So ये duration के लिए है, तो हम यहाँ पर भी जो है in use करते हैं, ठीक है. उसके बाद देखें यहाँ पर आप जो है वो specific or duration of the month यहाँ पर जो दिया, you can also use in 6 months, in 12 months, in 2 months, in 3 months, in 2 weeks. So इस duration को describe करने के लिए जो preposition use होती है वो भी जो है वो in use होती है. इसके बाद आज है next unit की तरफ. इसमें preposition expression की बात हुई हुई है, on time और in time, उसके अलावा at the end और in the end. जब हम ऑन टाइम की बात करते हैं तो किसी फिक्स और पंचुअल टाइम के लिए हम जो है ऑन टाइम यूज़ करते हैं, लाइक गो टू स्कूल ऑन टाइम. मतलब के वो टाइम जो स्पेसिफिक है, जिसमें थोड़ी बहुत भी देर सवेर जो है वो नहीं हो सकती, तो वहाँ आप टाइम के साथ ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं. इसका ऑपोजिट होगा डोंट बी लेट, लाइक लेट. ऑन टाइम वक्त पे और लेट देर से. उसके बाद इसी सेक्शन का जो सेकंड हाफ है, ए सेक्शन का, उसमें बात आ जाती है इन टाइम की. इन टाइम होता है कि अंदाज़न जो आप वक्त बताते हो कि इस दोपहर में पहुंच जाऊंगा, या आप कहते हो कि जो है लाइक सपोज़ टेक एग्जांपल्स, आई एम इन हरी, आई वॉन्ट टू गेट होम इन टाइम टू सी द टी वी प्रोग्राम. मतलब आप वहाँ फिक्सटी नहीं है कि 7 बजे पहुँचने, 8 बजे पहुँचना है, या इस तरह से कि अंदाजन इतने बजे जो है वो मैं पहुँच जाऊँगा, या मैं घर पहुँच जाऊँगा तो उससे जो है वो मैं ये काम कर लूँगा, या ये काम जो है वो नहीं करूँगा. उसके बाद आ जाता है हमें बी सेक्शन पर आए. बी सेक्शन में बात होती है एट द एंड और इन द एंड. अच्छा, अब एट दी एंड जब बात होती है तो वो होता है किसी कॉन्सर्ट, किसी इवेंट, किसी फंक्शन, किसी जो है ओकेजन का एंड. तो वहाँ आप एंड को डिस्क्राइब करने के लिए जो प्रेपोजिशन एंड के साथ यूज़ करते हैं वो एट दी एंड है. फॉर एग्जांपल, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द जनवरी, एट द एंड ऑफ द समर, एट द एंड ऑफ द विंटर, एट्सेट्रा. और इन दी एंड होता है किसी किसी किस्से का जो है अंजाम, नतीजा, या किसी जो है वो स्टोरी का अंजाम या नतीजा, या फिर जो है वो किसी कहानी का एंड जो है उसके लिए जो आप यूज़ करते हो वो होता है इन द एंड. मतलब कि फाइनली के मीनिंग में यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल देखें लास्ट पे, एट फर्स्ट वी डिडंट गेट ऑन वेरी वेल बट इन द एंड वी बिकेम गुड फ्रेंड. लेकिन आखिरकार जो है नतीजतन हम जो है वो अच्छे दोस्त बन गए. या फिर जो है वो आप ये भी कह देते हो, इन द एंड ही जस्ट वॉकड आउट ऑफ द रूम. आखिरकार वो सिर्फ जो है वो कमरे तक जो है वो चल के गया, या आफ्टर गेटिंग द एंग्री. अच्छा, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट यूनिट की तरफ, 123 में कुछ स्पॉट्स, पब्लिक प्लेसेस और इन चीज़ों को जो है वो डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि आपने इन कहाँ यूज़ करना है, ऐड कहाँ यूज़ करना है और ऑन कहाँ यूज़ करना है. जब आप किसी कमरे में खड़े हैं, किसी बाग में खड़े हैं, किसी पूल में हैं, किसी दरिया में है, किसी सिटी के सेंटर में है, या किसी जो है वो बॉक्स में है, कोई चीज़ है, तो आप वहाँ में अंदर, उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं, ठीक है. एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेक्शन. देन कम टूवर्ड द एट.
एट इज़ यूज फॉर द पॉइंट, वो किसी बिल्डिंग का पॉइंट है, वो किसी गली का कोना है, किसी सड़क का कॉर्नर है, वो किसी जो है वो दरिया का एज है, वो किसी जो है सिटी का पॉइंट है, तो पॉइंट्स के लिए जो है, पॉइंट्स के लिए जो है वो आप एट यूज़ करते हो, एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट द राउंड अबाउट, एट द रिसेप्शन, रिसेप्शन डेस्क या इस तरह से कुछ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बता देती हूँ, जैसे ये देखें यहाँ पे आए लास्ट में, व्हेन यू लीव द होटल प्लीज़ लीव योर की एट रिसेप्शन। ठीक है, जब होटल से जाओ तो क्या है कि रिसेप्शन पे अपना जो है वो की छोड़ते जाना। ये हो गया डिफ्रेंशिएट इन और एट का। अच्छा, अब उसके बाद आ जाती है ऑन की। ऑन देखें यहाँ पे पिक्चर डिस्क्रिप्शन के थ्रू बहुत ही इजीली उन्होंने इसको एक इलेबोरेट किया हुआ है कि कोई चीज़ पर है, सरफेस पे है, तो सरफेस के लिए क्या यूज़ करते हो आप, ऑन यूज़ करते हो, ऑन दी वॉल, ऑन दी डोर, ऑन सीलिंग, ऑन नोज, बॉडी पार्ट्स में, ऑन हैंड, ऑन फुट, या फिर ऑन पेज, ऑन दी आइलैंड, ऑन द शोर, सी शोर, तो इसके लिए जो है आप ऑन यूज़ करते हो। एग्जांपल्स दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल ऑन की एग्जांपल देखें, हैव यू सीन द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, या हैव यू रीड द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, हैव यू सी अ स्ट्रेंजर ऑन द स्ट्रेंजर, या आप कहते हो एट द एज ऑफ द स्ट्रीट, या इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। द होटल इज़ ऑन अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ द लेक। सो ये कॉन्सेप्ट जो है वो होप्स हो के क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद एक और इस्तेमाल है इन, ऑन और एट का। जब आप किसी किताब में खड़े हैं, ठीक है, या किसी जगह पे हैं, तो हम जो है वो बोलते हैं इन अ पिक्चर, इन अ कंट्री, इन अ बेड, इन अ लाइन, इन अ स्काई, इन एन ऑफिस, और इन अ बुक। फॉर एग्जांपल या इन अ रॉ, व्हेन आई गो टू सिनेमा, अच्छा जी, व्हेन आई गो टू सिनेमा, यहाँ पे देखें, व्हेन आई गो टू सिनेमा आई लाइक टू सिट इन दिस इन द फ्रंट रो। अच्छा, उसके बाद है ये है किसी जगह में होना, या किसी शख्स का जो है वो कहीं पे होना, या कहीं पे कहना कि मैं यहाँ हूँ, या यहाँ कहना है, या इस तरह से। अच्छा, फिर जब आप जो है ये बताते हो कि किसी तरह किसी साइड पे हैं, किसी डायरेक्शन में हैं, तो डायरेक्शन के लिए आप ऑन यूज़ करते हो, लाइक ऑन दी लेफ्ट, ऑन दी लेफ्ट हैंड, ऑन दी सेकंड फ्लोर, ऑन अ फॉर्म, सो इस तरह से। अच्छा, उसके बाद जो है वो आ जाता है एट द टॉप, एट द बॉटम, एट द एंड ऑफ। कैसे, राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, आप ऑन द टॉप ऑफ द पेज नहीं करते हो। जेन्स हाउस इज़ एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रीट, तो वहाँ पॉइंट्स के लिए जो है वो आप एट यूज़ करते हो। उसके बाद जाता था आ जाता है इन द फ्रंट और इन द बैक। ये कब आपने यूज़ करना है, आई वाज सिटिंग इन द बैक ऑफ द कार व्हेन वी क्रैश्ड, जब जो है वो टक्कर लगी या क्रैश हुआ, या इस तरह से। फिर ई सेक्शन में देखें, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, द टीवी इज़ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एट द कॉर्नर नहीं आएगा। एट क्या होगा, जब वो चीज़ जो है वो गली का कोना है तो ऐट होगा, जब वो कमरे का कोना है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन में देखें, लुक एट द पिक्चर डिस्क्रिप्शन, इस डायरेक्शन के लिए, इस पोजीशन के लिए आप इन यूज़ करोगे, और गली का कोना या घर का कोना है तो वहाँ आप ऐट या ऑन कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम 125 यूनिट की बात करते हैं, तो इसमें भी इन और एट और ऑन यूज़ हुआ हुआ है। यूजुअली व्हेन यू गो टू दी बिल्डिंग, मार्केट, हॉस्पिटल, तो आप करते हो इन, इन हॉस्पिटल, इन प्रिजन या इन जेल। एनाज मदर इज़ इन हॉस्पिटल, आप ऑन हॉस्पिटल नहीं बोलते, आप एट हॉस्पिटल नहीं बोलते। वी से दैट समबॉडी इज़ एट वर्क, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, सो हम जो है वो एट यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है फिर हम इन और एट फॉर बिल्डिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, एट अ पार्टी के लिए यूज़ करते हैं, एट कॉन्सर्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। होप्स हो कि ये तो बहुत इजी है, तो आप इन यूनिट्स की छोटी सी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है, देन आई टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो।